हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एक नए टॉपिक लेकर आई हूँ कि उन्हीं कपड़ों को कैसे आप धोएं। अगर आप फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उन्हीं कपड़े अक्सर जल्दी ढीले पड़ जाते हैं या फिर चमक खोकर पुराने दिखने लगते हैं। ऐसे में इनको धोने का सही तरीका जानना ज़रूरी है ताकि ये लंबे समय तक पहनने पर आपको स्मार्ट लुक दे। एक और जहां ऊनी कपड़े पूरी सर्दी हमारी सुरक्षा करती है, वहीं इनकी देखभाल करना एक मेहनत का काम है। ऊनी कपड़ों को संभाल कर रखना, उनकी धुलाई, उन्हें सुखाना, फिर उन्हें सही तरीके से अलमारी में रखना एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऊनी कपड़ों को कैसे धोएं। नंबर एक, ऊनी कपड़ों को बंद अलमारी में से निकालने पर एक गंध सी आ जाती है। ऊनी कपड़ों को निकालने के बाद तो ये 2 से 3 दिन तक तेज़ धूप दिखाएं। उसके बाद अगर कहीं कोई दाग नज़र आए तो उसे टिश्यू पेपर की मदद से साफ़ कर लें। नंबर दो, उन कपड़ों को सही से धूप दिखाने के लिए उन्हें पूरा फैलाकर धूप में छोड़ दें। कपड़ों की गंध निकल जाए, उन्हें किसी माइल्ड सिर्फ या ऊनी कपड़ों को धोने का लिक्विड में कुछ देर के लिए भिगो दें। गर्म पानी का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। नंबर तीन, ऊनी कपड़ों को हल्के हाथों से मलें और साफ पानी से 2-3 बार निकाल लें। इसके बाद हल्के हाथ से पानी निचोड़ें और कहीं हैंग कर दे। इस तरह पानी निचोड़ने के बाद ही उन्हें धूप में सुखाने के लिए डालें। आप चाहें तो ऊनी कपड़ों को धोने के लिए बेबी शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गलती से भी ऊनी कपड़ों को ड्रायर में ना डालें। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।